Dear students, in this module we're going to talk about peer group, which is considered an important agent of socialization. Peer group age fellows. So it's an important agent of socialization as they provide opportunities for children as well as adolescents to interact with others. their own age and to develop a sense of identity outside of the family context. Family के अंदर जो है वो आपके लिए चूँकि एक limited environment होता है उस limited environment में आपकी socialization जो है वो बड़ी determined होती है बड़ी specific होती है लेकिन जैसे ही आप school के अंदर आते हैं वहाँ पर आपको बाकी लोगों के साथ interaction के मौक़े मिलते हैं जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका पीयर ग्रुप होता है या आपके एज फेलोज़ होते हैं क्योंकि आपके क्लास फेलोज़ जो हैं वो आपके एज फेलोज़ होते हैं उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो शायद आपके दोस्त बन जाते हैं लेकिन जो आपके दोस्त नहीं भी बनते हैं इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनका आपकी सोशलाइजेशन के ऊपर कोई रोल नहीं होता सो पेयर ग्रुप के अंदर आपके दोस्त भी शामिल हैं और आपके एज फेलोज भी शामिल हैं सो इन पाकिस्तान द दियर ग्रुप्स माइट प्ले अ रोल इन शेपिंग for example, fashion trends, music preferences, and attitudes towards the relationships. So these are important aspects in which we see that how our peer group or how our age fellows are behaving. जिस तरह का लिबास वो पहनते हैं, जिस तरह के relationships वो रखते हैं, वो हमारे लिए standard बन जाते हैं. और हम उन standards के मुताबिक behave करने की फिर कोशिश भी करते हैं. पेयर ग्रोप्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंग पीपल टू एक्सपैरिमेंट विद द डिफरेंट सोशल रोल्स वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स एंड टू रिसीव द फीडबैक एंड वैलीडेशन फ्राम देयर पीयर्स तो हमारे रवैयों के हवाले से चूंकि वो हमारे लिए है एक स्टैंडर्ड होते हैं इसलिए हमें उनकी तरफ से वैलीडेशन मिलती है आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई अच्छा लिबास पहन के अपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके दोस्त अहबाब आपकी तारीफ करते हैं और उससे आपके लिए एक सेंस ऑफ वैलिडेशन क्रिएट होती है कंस्ट्रक्ट होती है दैट यस आई एम हैविंग दैट पॉजिटिव फीडबैक सो बेस्ड ऑन दैट पॉजिटिव फीडबैक आपकी पर्सनालिटी का वो चीज़ हिस्सा बनती जाती है सो पीयर ग्रुप्स कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स रिलेटेड टू एकेडमिक अचीवमेंट ड्रग यूजेज एंड अदर सोशल इश्यूज तो ऐसा नहीं है कि आपका पीयर ग्रुप सिर्फ आपकी पॉजिटिव सोशलाइजेशन ही करता है अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव सोशलाइजेशन में भी पीयर ग्रुप जो है वो रोल प्ले करता है बहुत से बच्चे जो हैं वो बुरी आदत अपने एज फैलोज से सीखते हैं जैसे वो लोग बिहेव कर रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि वो भी उसी ग्रुप का हिस्सा बन जाएं ताकि वो उनकी नस्बत जो है अब नॉर्मल ना लगें तो अपने बिहेवियर को उस कॉन्टेक्स के अंदर नॉर्मलाइज करने के लिए हम बाजुकात जो है वो डेवियन बिहेवियर भी अडॉप्ट कर लेते हैं लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आपका पेयर ग्रुप जो है वो आपके लिए पॉजिटिव वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट करता है आपके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपकी तरबियत ना में ना सिर्फ़ आपके फैमिली एजेंट और आपके स्कूल के बाकी अथॉरिटी फेलोज़ का जो रोल होता है बल्कि इसके साथ साथ आपके पीयर ग्रुप का रोल भी अहम हो जाता है